So, कैसे हो दोस्तों, आई होप सब बढ़िया हो गए। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Xiaomi HyperOS के सिक्योरिटी एप्लीकेशन के न्यू अपडेट के बारे में। आई नो यहाँ पे काफी सारे अपडेट आते रहते हैं एंड मोस्टली यार मैंने तो काफी सारे वीडियो बना चुका हूँ इन सब पे, बट क्या करें चेंजेस ऐसे हैं कि यहाँ पे हर न्यू अपडेट में आते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमारे सामने निकल के आया वर्जन 9 का अपडेट जो की अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड पता उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसमें यहाँ पे एक थिएटर मोड देखने को मिल जाता है जो की आपके लिए यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी है ऑडियो क्वालिटी है काफी ज्यादा एनहांस करने वाला है। अब ये चीज यहाँ पे नॉर्मली नहीं होने वाली है क्योंकि Xiaomi का वो ने तो प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली इसके साथ देखने को मिलेंगी। एंड ये जो एप्लीकेशन है वर्जन 9. कुछ सीरियल नंबर है इसके बाद में वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये ग्लोबल प्लस चाइना मिक्स वर्जन होता है जो कि अंडर टेस्टिंग किया जाता है, उसी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे अपने फोन में एक चीज यहाँ पे इनेबल कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो सिंपली फर्स्ट टाइम हम फेस स्कैन कर रहे हैं तो आई होप यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को एक थम्स अप कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड इससे भी ज्यादा अदर्स टॉपिक के ऊपर कंटेंट आता रहेगा। ऐसा नहीं कि Xiaomi को हम छोड़ देंगे, Xiaomi हमारे उतना ही करीब है जितना तुम्हारे पास तुम्हारा फोन। कोई एग्जांपल नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, बट कोई नहीं यार हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड और भी चीज यहाँ पे आने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सीधा मोबाइल पे शिफ्ट हो जाने के बाद। तो यहाँ पे देखो आपको जो वर्जन देखने को मिल जाएगा, आप लोग जैसे इस पर टैप एंड होल्ड करते हो यहाँ पे सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन के ऊपर, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये जो वर्जन है ऑलरेडी मैंने अपने फोन में इंस्टॉल किया है। यहाँ पे वर्जन नंबर 9.1 आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो अपडेट है आप लोग इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। चाइना प्लस यहाँ पे ग्लोबल मिक्स वर्जन देखने को मिल जाता है, ट्रांसलेट है इन इंग्लिश जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल करके रखते हो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद जो कि आपको कुछ तरीके से देखने को मिल जाएगा फ्लोटिंग विंडो के अंदर एंड नीचे स्क्रोल करते हो तो आपको यहाँ पे साइड बार के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है वीडियो एप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आप लोग किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हो, हमने फिलहाल यूट्यूब पे कनेक्ट किया है, यूट्यूब पे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगर यहाँ पे मैं अपनी वीडियो जाकर सर्च करता हूँ, जैसे लाइक मैंने अपना चैनल सर्च किया, चैनल सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे आपको किस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक थिएटर मोड एंड एक कस्टम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। कस्टम पे टैप करते हो तो आपके नॉर्मली जो बेसिक से फीचर है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप लोग यहाँ पे टैप करते हो थिएटर मोड पे तो थिएटर मोड में आपको इमर्सिव साउंड डॉल्बी एटमॉस्फेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, थिएटर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है एंड एक 3D लूट वर्स विजन यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पता नहीं भाई कैसे यहाँ पे करता है, बट यहाँ पे देखो क्लियरली एक वार्निंग भी आती है कि ज्यादा पावर कंज्यूम कर सकता है, डिवाइस थोड़ा हीट हो सकता है क्योंकि ये सारी चीज फीचर्स यहाँ पे वर्क करते हैं। अब ये जो फीचर्स हैं अगर मैं बात करूँ वर्किंग है तो देखो एक्चुअली में ये फीचर वर्किंग है, साउंड को इंप्रूव करता है, पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव करता है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एक चीज और, अगर आप लोग कोई भी लाइक हम यहाँ पे अपनी वीडियो प्ले कर लेते हैं, अभी यहाँ पे साउंड नहीं चला सकता क्योंकि एड चल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको चलाते हैं तो समटाइम्स अगर आप लोग कोई भी वीडियो देखते हो लाइक यहाँ पे ये वीडियो देखते हो इसमें काफी सारे लोग देखने को मिल जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो साउंड है वो कैरेक्टर की जो यहाँ पे मूवमेंट होती है लिप्स की उससे थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है। तो इस चीज में आपको देखने को मिल जाएगा लाइक इमर्सिव साउंड का ऑप्शन यही है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे साउंड जो ये इमर्सिव साउंड को सेम इस तरीके से इस ऑप्शन के साथ यहाँ पे यूज करता है, कस्टम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो इस तरीके से आपको वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन देखने को मिलता है, सेटिंग पे टैप करते हो तो आपको यहाँ से भी ओपन हो जाएगा एंड कुछ तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो ट्राई करके देखना क्योंकि अभी तो यहाँ पे एंड्रॉइड 14 एंड HyperOS में वर्क कर रहा है, मे बी HyperOS एंड्रॉइड 13 पे वर्क कर जाए बट यहाँ पे स्टिल ये MIUI में तो वर्क नहीं करेगा, ये चीज आपको क्लियर भी देखने को मिल जाती है। तो ये चीज तो आपको पक्का यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका क्या नुकसान है, क्योंकि देखो हर चीज का एक नुकसान भी होता है, तो नुकसान की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो वर्जन है 9.1.5 का आपको वर्जन देखने को मिल जाता है। अब ये जो है आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग बताया था चाइना प्लस ग्लोबल का यहाँ पे जो मिक्स वर्जन होता है जो कि टेस्टिंग के तौर पे यूज किया जाता है सेम वो वर्जन है। अब इसके साथ यहाँ पे बात करें क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, फीचर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिए, अब प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करोगे लाइक आप लोग गेम टर्बो यूज करते होगे अपने BGMI या कोई भी अदर गेमिंग के लिए या कोई भी गेम ऐप खेलने के लिए तो बेसिकली गेम टर्बो इस पे वर्क नहीं करेगा, गेम टर्बो का कोई भी फीचर वर्क नहीं करेगा। या तो आप थिएटर मोड ले लो या गेम टर्बो ले लो, ये टेस्टिंग वर्जन है, ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टिल कंटिन्यू कर सकते हो अपने डिवाइस में, अदरवाइज अनइंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि Xiaomi ऐसे वर्जन यहाँ पे आते रहते हैं। ये टेस्टिंग के तौर पे एक न्यू फीचर मिल जाता है तो वो कोई सीरियसली इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती है कि आप लोग कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली थ्रेड पर टाइप करके अनइंस्टॉल कर सकते हो, वैसे आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो ये थी यार सिंपल सी वीडियो, आई होप आप लोगों को यहाँ पे पसंद आई होगी। एंड देखो यार ये हमारा फर्स्ट फेस स्कैन था तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा। अब पसंद आया तो
एक थम्स अप कर देना, लाइक को साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जरूर से बताना कि क्या फेस कैम हम कंटिन्यू करें अदर टॉपिक के साथ। अगर हाँ तो यार ओके टाइप कर देना, क्योंकि हमको भी पता चले कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए एंड कुछ यूनिक वीडियो के लिए। तो जरूर से यार ओके टाइप कर देना एंड अगर नहीं पुराने ओल्ड स्टाइल ही चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे ओल्ड टाइप कर सकते हो, क्योंकि वी सपोर्ट यू एंड आई सपोर्ट यू, जो भी है मतलब मेरे को भी नहीं पता, बस निकल गया मुंह से फ्लो में, तो उस चीज को पकड़ना। इसी के साथ हम मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जय हिंद जय भारत।